खबर। युवा नेता और अभिभाव वानखेड़े जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर 4 अक्टूबर को भरेंगे अपना अंचलपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन अर्ज। बहुजनों का बहुचर्चित युवा चेहरा रविभाव वानखेड़े 4 अक्टूबर को अपना नामांकन अर्ज भरने ऐसी चर्चाओं में है। कहा जाता है कि लोकसभा से ही शुरू किया था और यह भी कहा जाता है कि उस वक्त सांसद नवनीत राणा को जिताने में रविभाव वानखेड़े का बड़ा हाथ था। रविभाव वानखेड़े युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रविभाव वानखेड़े ने अपनी पहचान बनाई है। गए 15 वर्षों में विधायक रहने के बावजूद भी बच्चू भाव कड़ू ने शेतकरी, शेत मजदूर, बेरोजगार, विद्यार्थी, व्यापारी, विकलांग, निराधार, गरीब व बेघर लोगों के लिए एक भी अच्छा काम नहीं किया है और न ही बेरोजगारियों के लिए रोजगार लाए है। इस वजह से लोग बच्चू कड़ू से नाराज है। इसके कारण इस बार रविभाव वानखेड़े की लॉटरी खुल सकती है और रविभाव वानखेड़े के बढ़ते जनसंपर्क के वजह से शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी, आरपीआई तथा अन्य पार्टी के स्थानिक नेताओं के नाक में दम आया है। ऐसी भी चर्चाएं अंचलपुर विधानसभा मतदार संघ क्षेत्र में हो रही है। कहा जाता है कि बच्चू कड़ू और रविभाव वानखेड़े दोनों में अमीर के विरुद्ध गरीब ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बार अंचलपुर विधानसभा मतदार संघ क्षेत्र की जनता किसको अपना विधायक बनाती है, इस पर सभी की नजरें रुकी हुई है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।